महाराष्ट्र पारंपरिक पर्व मध्यरु अन्यतम हेउछि हळदी कुकुम पूजा। मुंबई रे रहुथिबा प्रवासी ओडिया माने मध्य एही पारंपरिक पर्व को धूमधाम रे पालन करती। क्रम नई मुंबई रो घनसोली ठारे ओडिसा नंदीघोष कीर्तन मंडली पक्षरु हळदी कुंकुम पूजा अनुष्ठित हो जाइछि। एही पूजा रे एनएमएमसी उपाध्यक्ष मोहन मात्रे मुख्य अतिथि भावे जोग देथिले। सेहिभली सम्मानित अतिथि भावे स्थानीय नगर सेवक घनश्याम माड़वी, नगर सेविका श्रीमती मोनिका पाटिल, मुंबई ओडिया युथ आसोसिएशन रो सभापति नीलांचल पात्र उपस्थित थिले। स्थानीय बासिंदा सह मिसी एभली पर्व पर्वाणी रे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करथिबारो उपस्थित अतिथि माने प्रवासी ओडिया मानको प्रशंसा करथिले। ओडिशा नंदीघोष कीर्तन मंडली सभापति तारिणी पाढ़ी, बाबूला बाड़त्या, संतोष पाणिग्राही, नारायण साहू, बसंत साहू और सुनील चौधरी प्रमुख कार्यक्रम परिचालना करथिले। आज गणतंत्र दिन का हर ओडिशा पर्यटकों को शुभकामना देता हूँ समय, और इस अवसर पर यहाँ पे लोगों ने हर जात धर्म पंथ का लोगों को एक गट्ठा करके यहाँ पे हल्दी कुंकुम सब लोगों को एक जगह करके ओडिशा लोगों को कैसे है लोग ओडिशा लोग अतरा जी बोले अभी ओडिशा लोगों को, लेकिन बहुत साल से मैं सबको जानकारी है अपना, लेकिन अपना पंडित है हमारे रूम में रहते हैं हर, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने कभी दिक्कत करके ऐसा कुछ जिताया नहीं, कुछ हंगामा कुछ किया नहीं, लेकिन प्यार से जुटा रहता है हर यहाँ पे। जैसा उन्होंने बोला शक्कर से प्यारा मीठा गन्ना रहता है, तो गन्ना से जैसे ये लोगों ने यहाँ पे पेड़ लगाया और उसके बाद शक्कर होता है, वो गन्ना जैसा सब लोग हमारे प्यार में एक गठा भाई बहन सब है। और सब लोगों को बोल रहा हूँ इस साल नहीं तो हर साल यहाँ पे अच्छा त्यौहार मनाओ। सब लोग इतना लंबा से इधर रहने के लिए आया और ये लोगों के लिए आप प्यार से बिता रहो, बस कहना इतना ही है। सब अच्छा रहो, ख्याल रखो, अपना तबीयत का ख्याल रखो, हर समाज हर देश का हर जात का हर धर्म का पालन करो, किसी को मत कहो यहाँ पे हम गाँव वाला है या बढ़िया है बाहर का हूँ, सब मिलजुल कर रहो। ओडिशा नंदीघोष मंडल घनसोली मंडल और महिला मंडल की ओर से आयोजित हल्दी कुंकुम समारंभ के इस समय उपस्थित सभी ओडिशा मंडल और इस परिसर के सभी माता बहने और सभी अपने पुरुष वर्ग, काफी अच्छा लगता है कि इस महाराष्ट्र में सब रहने को आए तो महाराष्ट्र के मिट्टी में घुल मिलने का काम आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये सब मकर संक्रांति के बाद जो हल्दी कुमकुम शुरू होता है वो रथ सप्तमी में समाप्त होता है, और रथ सप्तमी तक अपना हमारी सब माता बहने ये सब हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखती है। और इसके पीछे का मकसद है कि आपस में सबका मेलजोल करना, इकट्ठा होना, अपने विचारों के आदान प्रदान करना, साथ में इस हल्दी कुमकुम के माध्यम से अपने सुहाग को और अपने परिवार को मजबूत करने का काम ये समारंभ करता है। और इसमें ये सब अपने ओडिशा मंडल के लोग काफी अच्छा ये कार्यक्रम का सब आयोजन करते हैं और सब घुल मिल के इस छोटी सी जगह में भी बड़ा से बड़ा प्रोग्राम ये अपने सब माता बहने करते हैं। और अच्छा लगता है कि जिस मिट्टी में हम आए हैं, अगर ओडिशा आपका माँ है तो ये महाराष्ट्र आपका मौसी है, और इस मौसी की आप जो परंपरा है वो सब यहाँ पे निभा रही है, और ऐसे परंपरा में आप लोग हम लोग को यहाँ पे आने का मौका देते हैं, तो हमें भी काफी अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है वो अपने ही परिवार का है। इस माध्यम से हमारे मैडम ने आप सभी को बोला कि ऐसे समय में अभी काफी ठंडी का मौसम चल रहा है तो अपने सेहत का सब लोगों ने ख्याल रखना चाहिए, साथ में कोरोना का माहौल है तो इतने भी हम बिंदास नहीं होने चाहिए, सबने अपने तबीयत के बारे में सोचना चाहिए,
साथ ही साथ में मैं आप सब बहने बहनों को इस कार्यक्रम के माध्यम से इतना ही आप सब बहनों को एक ये दूंगा वचन दूंगा कि आपका कोई भी समस्या होने दो, आप कभी भी आइए, आप मेरे बहन करके आपका बड़ा भाई करके हम लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे। मुंबई रो नीलांचल पात्रों को रिपोर्ट ओडिशा न्यूज रूम।